हेलो बच्चों, से स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं किसके फॉर्म में बच्चों, MCQ के फॉर्म में एंड 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 असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद बच्चों माइंड मैप, माइंड मैप मतलब एग्जाम से पहले आप पूरे चैप्टर को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे कि आप कुछ भी चैप्टर है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। और बच्चों मार्क वाइज वीडियो, मतलब जो चैप्टर उसके मार्क वाइज क्वेश्चन, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ये थी। और आपको ये सब कहाँ पर मिलेगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हाय एवरीवन, सो बच्चों आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। सो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों क्या, क्लास 10th का माइंड मैप। क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों, क्लास 10th का माइंड मैप, और कौन से चैप्टर का बच्चों, रियल नंबर्स का, ठीक है। तो बच्चों माइंड मैप इस चैप्टर को हम पूरा यहीं पे ख़त्म करेंगे कुछ ही मिनटों में, और पूरा चैप्टर आपके अच्छे से, पूरे अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ पूरे चैप्टर की आपको समझ आ जाएगी, सारी चीज़ समझ आ जाएगी कुछ ही मिनटों में, ठीक है भाई। तो तैयार हैं बच्चों। और एक ज़रूरी सूचना, इस माइंड मैप को करने से पहले प्लीज़ जाके वन शॉट ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लिस्ट में आपके लिए सारे वन शॉट, सारे क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के वन शॉट डले हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर्स का माइंड मैप, ठीक है, अच्छे से समझेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो सबसे पहले जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में हमारे बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस करा था वन शॉट में कि सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। ये सब तो आपको मालूम होगा, ये सब तो आपको मालूम होगा। जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, ये हम लास्ट मतलब बहुत जो हमारी क्लासेस थी 8th क्लास 7th क्लास 9th क्लास, उसमें हमने सारे नंबर्स को डिस्कस करा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सबको मालूम होगा। लेकिन बात करने जा रहे हैं फिलहाल हम यहाँ पर रियल नंबर्स की, कि इसमें हमें 10th में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 मेन नंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है बच्चों, सबसे पहला जो नंबर है रैशनल नंबर, यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज लिख रखे हैं, पहला रैशनल नंबर है, फिर दूसरा इरैशनल है, फिर थर्ड SCF LCM है, फिर फोर्थ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फिर जो लास्ट है वो क्या है बच्चों, थ्योरम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, व्हाट इज अ रैशनल नंबर? अब बच्चों रैशनल नंबर की अगर हम बारे में डिस्कस करें, कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है, P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बच्चों, अगर हम बात करें तो P/Q की फॉर्म में क्या होता है, ये एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है भाई, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है, वेयर P एंड Q, और कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं। वो दो कंडीशंस क्या है बच्चों, जो P और Q हैं, जो बच्चों P और Q हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे, ठीक है। तो हमें समझ आ गया, जो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2/5, दिस इज वॉट अ P/Q की फॉर्म में, ठीक है, P/Q की फॉर्म में है। तो बच्चों जैसे 2/5 है, तो ये क्या है बच्चों, हमारा एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है भाई, क्लियर बात इतनी, ठीक है। अब देखो जरा, हमने रैशनल नंबर तो पढ़ लिया, अब इसमें कुछ टाइप्स भी थे। सबसे पहले जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर, जो एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट मतलब रुक जाता है, जैसे कि जो डेसिमल, ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़े थे बेसिकली, कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2.45 पॉइंट के बाद 2 नंबर आके रुक गए, चाहे 3 नंबर के बाद आके रुके, चाहे 4 नंबर के, लेकिन रुकने चाहिए, तो दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग। एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो चलते ही चले जाते हैं, उसका अपोजिट। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज थी, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नाम से ही समझ आ रहा है भाई, जो नंबर्स रिपीट होते हैं, जो चलते चले जाते हैं, लेकिन नंबर्स क्या होते हैं रिपीट। फॉर एग्जाम्पल 2.33333, दिस इज अ रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ना होते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसी का आता है दूसरा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो है भाई जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब ऐसे कौन से नंबर होते होंगे,
ऐसे भाई कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि मान लो रूट वाले नंबर, रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे रूट टू है, क्या है बच्चों, रूट टू है दिस इज द रैशनल नंबर, रूट थ्री है दिस इज द इरैशनल नंबर। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या रूट फोर भी एक रैशनल नंबर है, तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ क्योंकि रूट में है। नहीं, अगर मैं बात करूँ रूट फोर की, तो ये बच्चों किसका स्क्वायर होता है, टू का, बाहर निकल के कितना आएगा, टू। तो टू इज ए, टू क्या होता है हमारा, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बताना चाहूंगी कि रैशनल नंबर में हमारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। अब क्यों, लेकिन ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो बच्चों नेचुरल नंबर मान लो टू है, इस ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं इसको बना सकती हूँ, हाँ भाई बना सकती हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन बन गया पी वाई क्यू के फॉर्म में। क्लियर भाई फंडा, सारी चीज़ें फंडा क्लियर। चलो आगे आते हैं, ठीक है ये मिटे जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी बातें। अब जो मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया, तो वो क्या था, वो क्या था, ये तो मैंने बता दिया कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं बच्चों, रैशनल नंबर में। जो टर्मिनेटिंग लिख दो मैं यहाँ पे, ये जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और क्या बच्चों, एंड नो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, वो कहाँ पर आते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर में। अब बात करें इरेशनल की, उसमें नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। ठीक है, थर्ड और एक और, द सम एंड द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। एक बात जरा ध्यान से सुनो कि मान लो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है रैशनल और एक है दूसरा इरेशनल। ठीक है, अगर मैं उसका क्या करूँ, सम करूँ, प्रोडक्ट करूँ, डिफरेंस करूँ, क्वेश्चन डिवाइड करूँ, तो हमेशा वो क्या देगा, एक इरेशनल नंबर ही देगा। ध्यान से सुनो, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल होना चाहिए, उसका तुम सम करो, डिफरेंस मतलब माइनस करो या डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, हमेशा हमेशा वो क्या देगा, एक इरेशनल नंबर देगा। ये वन मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, समझ आ गई। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये रैशनल है ये इरेशनल है, दोनों का सम करा तो कैसा नंबर आया, इरेशनल, डिफरेंस करा इरेशनल, मल्टीप्लाई करा इरेशनल, डिवाइड करा इरेशनल। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पे एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम तो भाई सुना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों ही अपने नाम के क्या होते हैं, जो उल्टे होते हैं, दोनों ही अपने नाम के उल्टे होते हैं। अब उल्टे कैसे भाई, उल्टे कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने ना दो नंबर्स लिए, इसको भी पढ़ेंगे, पहले ना नीचे वाला एग्जाम्पल देखो जरूर ध्यान से, 12 दे रखा है और 18 दे रखा है। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगी, फैक्टर्स निकालूंगी। फैक्टर्स निकालना सबको आता है, 3 × 2 का स्क्वायर और 18 का क्या बना, 3² × 2। ठीक है, क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनो, एच सी एफ की बारी आती है, एच सी एफ, एच सी एफ व्हाट इज एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन नंबर होता है उसका लोवेस्ट पावर, जो कॉमन नंबर होती है उसकी लोवेस्ट पावर इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन नंबर हमारे पास ये है और ये भी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी क्या है 1, लेकिन लेकिन जो जिसकी अभी मैम ने बोला ना कि जिसकी जो कॉमन नंबर होता है उसकी लोवेस्ट पावर लेनी है ना, लोवेस्ट पावर लेनी है, तो लोवेस्ट पावर इसकी क्या है, 2 की पावर 1 और इसकी 3 की पावर 1। तो ये आ गया बच्चों आंसर, क्या आ गया, 6, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका भी उल्टा होता होगा, है ना, इसका भी उल्टा होता है। यस भाई, जो कॉमन नंबर है, दिस इज अ कॉमन नंबर, दिस इज अ कॉमन नंबर, हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 है, तो क्या आ गया, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 और यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 की पावर 2। और एक और चीज़ बात ध्यान से सुनो, लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में कि अगर मान लो यहाँ पर तो सिर्फ कॉमन थे, मान लो यहाँ पर 5 भी आ जाता है, क्या भी आ जाता है, 5। अब जो एक्स्ट्रा नंबर होता है, जो एक्स्ट्रा नंबर होता है वो भी किस में आता है, एलसीएम में आता है, समझ आई। जैसे ये 5 है तो इंटू में 5 यहाँ पर लग जाएगा, एच सी एफ में नहीं लगेगा, एच सी एफ में सिर्फ जो कॉमन नंबर है उसकी लोवेस्ट पावर आती है, एल सी एम में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है वो तो आएगी आएगी और जो एक्स्ट्रा नंबर है वो भी आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, ये तो हमारा था, ठीक है, एच सी एफ एल सी एम कैसे निकालते हैं। अब इसमें ना कुछ रिलेशन होता है इनके बीच में, एच सी एफ एल सी एम और दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन बच्चों क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कि मान लो एच सी एफ दे रखा है 2 नंबर्स का, एच सी एफ दे रखा है 2 नंबर्स का एंड एल सी एम दे रखा है 2 नंबर्स का एंड दोनों नंबर्स भी दे रखे हैं, देन क्या होगा कि एच सी एफ इंटू में एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू में बी, उन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है।
जैसे कि मैंने इसी का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर भी दिखा रखा है कि एच सी एफ क्या था, 6, एल सी एम क्या था, 36, दो नंबर्स क्या थे, 12 था और 18 था, दोनों की मल्टीप्लाई करी 216 आया, दोनों की मल्टीप्लाई करी 216 ही आया, तो दोनों क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। ठीक है, इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 1 मार्क का या 2 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्या दे देगा, तीन चीज़ें दे देगा, एच सी एफ दे देगा, एल सी एम, या एक नंबर दे देगा, चौथा नंबर निकालो, तीन चीज़ें दे देगा, फोर्थ चीज़ निकालो, ठीक है, या आपको दे देगा दो नंबर्स, उसमें एच सी एफ बताओ, एल सी एम बताओ और रिलेशनशिप वेरीफाई करो, इस तरह से भी आ सकता है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो रही बात? तो सारी चीज़ें यहाँ पर, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं फोर्थ चीज़ पे। अब फोर्थ चीज़ क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक। ये क्या है, ये कैसी थ्योरम है बच्चों, एवरी कंपोजिट नंबर, अब सबसे पहली बात आती है कंपोजिट नंबर की, कि कुछ बच्चों को कंपोजिट नंबर का मतलब नहीं पता होता, प्राइम नंबर का मतलब नहीं पता होता, को प्राइम नंबर का मतलब नहीं पता होता, और बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एक ही चीज़ मान लेते हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है, तीनों का ही अलग अलग रोल है। तो मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि जो प्राइम नंबर है वो क्या होते हैं बच्चों, जैसे मान लो 2 और 3 है, 2 और 3 है, मान लो 2 है, ठीक है, 2 है, अब 2 के जो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो 2 बनेगा और इन 2 में क्या बनेगा, 1, तो ऐसे ही नंबर, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर एक तो वो अपना आप हो और दूसरा क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स, जिनके फैक्टर इटसेल्फ हो और 1 हो। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक बार कि प्राइम नंबर, जिनके फैक्टर इटसेल्फ और क्या हो बच्चों, 1 हो, तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर, अब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो, को प्राइम मतलब दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो दो नंबर जिनका जिस कॉमन फैक्टर ओनली क्या हो, 1 हो, को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली, या एच सी एफ बोलो, एच सी एफ क्या हो, सिर्फ 1 हो, ठीक है, एच सी एफ क्या हो, बस 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो, सो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, जैसे कि 2 और 3, 1 ही है कॉमन फैक्टर, तो दिस इज अ को प्राइम नंबर। अब बात आती है बच्चों कंपोजिट नंबर की, किसकी बात आती है बच्चों, कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर जो होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये क्या होते हैं बच्चों, प्राइम से मिलके बने होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं बच्चों, प्राइम से, मतलब प्राइम नंबर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, कंपोजिट नंबर, बस बात करते हैं। अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक का कह रही है, एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर बोल भी रखा है वैसे, कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बात ध्यान रखना, जो भी फैक्टराइजेशन होता है यूनिक, अब यूनिक का क्या मतलब है, हर चीज़ अपने आप में अलग है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 12 लिया मैंने, इसके फैक्टर्स बनाए 3 × 2 का स्क्वायर, 18 लिया 3² × 2 बना, अब दोनों के जो फैक्टर्स है वो अलग अलग ही तो है, ये थोड़ी हो सकता है कि इसके फैक्टर ये भी हो जाएगा, सब अपने आप में अलग अलग ही होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है, दिस इज एंड ऑर्डर इन द प्राइम फैक्टर्स अगर, अब उसमें सीक्वेंस का मतलब कोई मैटर नहीं होता, जैसे कि जैसे 3 × 2² है, तो मैं इसको 2² × 3 भी लिख सकती हूँ, आना आंसर वही है, ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, लेकिन फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है, एंड जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो जैसे कि यहाँ पर देखो 48 है, अगर मैं इसका क्या करूँगी बच्चों, फैक्टर्स बनाऊंगी, तो प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं सारे, क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स, तो दिस इज द कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, जिसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, अब वो क्या है, थ्योरम है, सबसे पहले उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, देखो जरा, बोल रखा है लेट पी बी आर प्राइम नंबर, एक पी मान लेते हैं प्राइम नंबर है, एंड बोल रखा है इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, ए कोई नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन वो ए को भी डिवाइड करेगा, सुनाई दी मेरी बात, कि अगर एक पी प्राइम नंबर है, मान लो 2 है, 2 प्राइम नंबर होता है, ठीक है, अब वो ए स्क्वायर कोई नंबर है, मान लो 4 है, 2² = 4, ठीक है, तो वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों वो ए को भी डिवाइड करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, एक 2 प्राइम नंबर है, मैंने ए स्क्वायर क्या लिया, 4 लिया, अब इसको स्क्वायर कैसे, किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2² इससे डिवाइड हो गया, डिवाइड होने का मतलब है कोई पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू ना आए, ठीक है, अब ए क्या था मेरा, 2 था, तो 2 2 का भी डिवाइड करेगा, हाँ भाई हाँ, ये तो भाई सही है,
पता ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी तो डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है ये समझ आ गई। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे कि रूट टू को इरेशनल प्रूफ करो, थ्री रूट टू को इरेशनल प्रूफ करो, वन अपॉन में रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करो, थ्री प्लस टू रूट सिक्स को इरेशनल प्रूफ करो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ जरा थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है आओ जरा देखो, मान लो रूट टू को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है, रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, रैशनल मानते हैं कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम कंट्राडिक्शन करते हैं या अजम्पशन करते हैं, ठीक है। अब जब है तो हम क्या कर देते हैं, ए बाई बी के इक्वल कर देते हैं। किसके इक्वल करते हैं, ए बाई बी के, क्योंकि वो रैशनल नंबर हमने मान लिया उसको। और ए बाई बी क्या हो, ए और बी क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है अब क्या करते हैं, बी को ऊपर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बस थोड़ा सा अब मैं बता रही हूँ कैसे होता है। ये हो गया टू बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, टू को नीचे ले जाओ, ये आ गया ए स्क्वायर बाय टू। टू प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर कोई नंबर है, अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन ए को भी डिवाइड करेगा, टू डिवाइड ए। ठीक है पूरी कहानी आप खुद देखेंगे, टू डिवाइड ए। ठीक है अब जब टू डिवाइड ए कर रहा है तो मतलब जो ए होगा वो टू का मल्टीपल होगा। सी मैंने कोई इंटीजर मान लिया, टू का मल्टीपल होगा जब भी, तो वो डिवाइड कर सकता है ना। अब इसमें भी क्या करी मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, फोर सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टू बी स्क्वायर, फोर सी स्क्वायर काटा, इसको नीचे ले आओ। अब फिर से वही बात, अगर टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू बी को भी तो डिवाइड करेगा, टू डी। ठीक है चलो, ए बी को भी डिवाइड करेगा। अब हमने माना क्या था, ए और बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब उनका अदर देन एच सी एफ वन, वन के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये बी स्क्वायर जो है, मतलब टू जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और टू ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों ए और बी जो है वो टू के मल्टीपल होंगे, जब भी तो वो डिवाइड कर पा रहा है। सो हमारी कंट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई कि ये हमने को प्राइम नंबर माने थे लेकिन ये को प्राइम नंबर निकले नहीं, इन्होंने गलत साबित कर दिया। अब जब गलत साबित कर दिया तो हम कह सकते हैं कि रूट टू क्या होगा बच्चे, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमारी अजम्पशन जो थी, कंट्राडिक्शन जो थी, वो रॉन्ग हो गई। तो सारे ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपको और डिटेल में क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने बताया कि किस तरह से ये होता है, अगर आपको करना है तो प्लीज़ वन शॉट जाके ज़रूर देखना, क्योंकि बिल्कुल अच्छे तरीके एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक क्वेश्चन करा रखा है, मल्टीपल वाला भी, डिवाइड वाला भी, प्लस वाला भी, नेगेटिव वाला भी। ठीक है तो बच्चों ये था हमारा क्या, माइंड मैप। आई होप आपको अच्छे से पूरे चैप्टर जो है अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और प्लीज़ वन शॉट देखिए फिर माइंड मैप करिए। ठीक है तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड मैप के साथ। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए वन शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर के, और बच्चों इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड माइंड मैप। अगर आप एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप किस में कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स व एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मार्क वाइज वीडियोस, मार्क वाइज मतलब चैप्टर्स में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के और 5 मार्क के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, सर्च एंड रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सब कुछ। और ये सब कहाँ मिलेगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर अच्छी लगी तो इसको वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।